Now we will see our ninth chapter, that is Up You Go Mountaineering Camp, Nehru Institute of Mountaineering, Uttarkashi. We were at the mountaineering camp and were very excited. 20 of us were teachers from Kendra Vidyalayas. There were other women from banks and other institutions. 20 teachers the Kendra Vidyalayas and other were the women from banks and other institutions. Now this was the second day of their camp. In the morning, as I got out of bed and put my foot down, I screamed in pain. Jaise hi wo subah she's getting down from her bed, वो उसे जैसे ही leg नीचे रख रही है, अपने पैर नीचे रख रही है, उसे बहुत ज़्यादा pain हो रहा है. I remembered yesterday's 26 kilometer walk with the heavy rucksack on my back. उन्होंने जो back पे अपना एक bag carry किया है, उससे वो बहुत ज़्यादा थक गए थे और 26 किलोमीटर की उनकी वॉक थी. आई वॉज अफ्रेड टू गो बैक टू दैट स्टीप क्लाइंब एंड द रफ नैरो पाथ. नाउ दे वर क्लाइंबिंग द माउंटेन माउंट एवरेस्ट. ओके, सो दैट वॉज वेरी टफ फॉर देम. विद टीयर्स इन माई आईज आई स्टार्टेड वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स द रूम ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, द डायरेक्टर ऑफ अवर एडवेंचर कोर्स. इनके डायरेक्टर थे एडवेंचर कोर्स के एंड शी वॉज गोइंग टू हिम ओनली thinking that she would say she would excuse for the day's trek, ki wo track pe na jaye. Suddenly I heard his deep voice from behind. Madam, what are you doing here at breakfast time? Hurry up, otherwise you will have to trek at a on an empty stomach. matlab aapko khali pet aapko track karna padega, to get ready very fast. सर सर आई कुड नॉट से एनी मोर. वो एक और सिंगल वर्ड नहीं कह पाई. यू हैव कम केम टू टेल मी दैट यू हैव ब्लिस्टर्स ऑन योर फीट. ठीक है, आपके पैर में ब्लिस्टर्स हो गया है, यू कैन नॉट वॉक, इजंट इट. शी इज टेलिंग यस सर, दैट इज़ नथिंग न्यू, नाउ गेट रेडी क्विकली. नाउ दैट गर्ल, उनको कहा कि आप, ये कुछ नया नहीं है, आप रेडी हो जाइए फटाफट. I hung my head and rushed back to get ready. वो वापस ready होने के लिए she went back. I had just turned when I heard his voice again. Listen, madam, you will lead group number 7. You will have to help any member who has difficulty climbing the mountain. You have already been told about the responsibilities of a group leader in the mountains. नाउ सी, एक ग्रुप लीडर बनना मतलब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आपको एक लीड करना है कुछ नंबर ऑफ ग्रुप पीपल के ग्रुप को. ठीक है, और एक लीडर की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, उनकी हेल्प करना, टू लुक आफ्टर देम. इट्स नॉट ओनली अबाउट माउंटेन क्लाइंबिंग, किसी और भी चीज़ में. इवन यू कैन सी अ क्लास मॉनिटर, तो क्लास मॉनिटर को भी कैसी एक रोल होती है कि टीचर की एब्सेंस में क्लास में साइलेंट रहे, किसी बच्चे को हेल्प चाहिए तो उन्हें हेल्प करे. दीज ऑल थिंग्स. ओके, नाउ शी हैड टू सी दिस ग्रुप नंबर 7. A big responsibility. I started thinking about what a leader must do. वो सोचने लगी, help others in carrying their bags, let the group go ahead and keep to the last. मतलब last रहना है, group को आगे जाने देना है, help करना है climb करने में, अच्छी place देखनी है stop करने के लिए, ताकि वहाँ वो rest कर सके और उनके देखभाल करें, they are feeling well or not, उनके लिए food arrange करें. The most important thing is to be ready to be punished even when someone else may have made a mistake. अगर कोई और गलती कर देता है तो उसके लिए खुद को पनिशमेंट मिलेगी, इस चीज़ के लिए भी उन्हें रेडी रहना पड़ता है. I realized that there was a special kind of discipline here. I wondered whether the camp will still be a fun. मतलब वो यही सोच रही थी कि क्या फ़न होगा इसमें आगे, या फिर डिसिप्लिन से ही पूरा भरा हुआ है. ग्रुप नंबर 7 इंक्लूडेड गर्ल्स फ्रॉम आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एंड नागालैंड. यहाँ से गर्ल्स आई थी ग्रुप नंबर 7 में. आई वॉज दी ओनली टीचर फ्रॉम केंद्र विद्यालय इन दिस ग्रुप. आई वॉज हैप्पी टू मीट माई न्यू ग्रुप मेम्बर्स. मोस्ट ऑफ देम कुड नॉट स्पीक हिंदी वेल. सारे अलग अलग स्टेट से आ रहे थे तो उन्हें हिंदी अच्छे से नहीं आ रही थी. आई स्टिल फील बैड दैट आफ्टर बींग टुगेदर फॉर 21 डेज आई कुड नॉट टॉक इवन वंस विद खोंदोन बी फ्रॉम मिजोरम. 21 डेज वो साथ में रहे थे, उस चीज़ का उसे वो अफसोस हो गया कि मैं 21 डेज रहने के साथ भी खोंदोन भी एक गर्ल थी मिजोरम से, उससे बात नहीं कर पाई. शी स्पोक ओनली मिजो. जो गर्ल थी वो मिजोरम से थी, वो मिजो लैंग्वेजेस बोलती थी. बट इन आर हार्ट्स वी ग्रो क्लोज टू ईच अदर. लेकिन वो लोग फिर भी लैंग्वेज बड़े डिफरेंट थी, बट दे वर क्लोज टू ईच अदर एवरी वन.
5th February 1984, now you'll see crossing the river. We got vitamin C, iron tablets and hot chocolate milk with our breakfast. These were given for strength and to keep us warm in the cold. Every morning there would be a medical checkup. Subah subah medical checkup hota tha and they were tied our bandages and counted the days left. After an 8 km trek, we reached a river. 8 km chalne ke baad ek wo river ke paas pahunche. There was a thick rope tied across the river. रिवर के अक्रॉस एक बड़ी सी रस्सी बांधी हुई होगी. आपने बहुत सारी सीरियल्स या टीवीज में देखा होगा ये शो में. फ्रॉम वन बैंक टू दी अदर, एक किनारे से दूसरे किनारे. द रोप वॉज टाइटली फिक्स टू पेग्स और पाइटन्स ऑन बोथ दी साइड्स. दो तरफ वो अच्छे से बांधे हुए होते हैं. एंड आई वॉज फीलिंग वेरी नर्वस. दिस टीचर ना, शी वॉज फीलिंग वेरी नर्वस. शी स्टार्टेड थिंकिंग दैट वॉट वुड हैपन इफ द रोप केम आउट, अगर रस्सी छूट गई तो क्या हो जाएगा. How wide the river was, वो सोचने लग गई, वो estimate कर रही थी कि river कितनी wide होगी. These were the questions in her mind. Our instructor tied a rope around his waist and put a sling. मतलब hook लगा दिया, एक type का hook ही है वो, rope tie करके लगा दिया. And he then put the sling on the thick rope, और thick rope के ऊपर डाल दिया. Walking through the icy water, he went to the other side. एक तरफ से दूसरी तरफ वो गए. No one was ready to step into the fast flowing river. कोई ready नहीं था कि वो इस आगे एक step भी कर सके. Everyone was pushing each other to go first. सब एक दूसरे को push कर रहे थे कि तुम पहले जाओ या तुम पहले जाओ. I stood last in the line. ये leader जो जिनको बनाया गया था वो तो last खड़े हो गए. And hoping that no one would see her. वो वही सोच रही थी कि कोई उसे देख ना ले. Just then our instructor came near me with the sling and rope in his hands. और उसे वो now she has no way to escape. वो बच ही नहीं सकती थी. Now she was ready but did not have the courage. लेकिन हिम्मत नहीं थी. Sir could guess my fears. जो सर थे वो एक उनके अंदर वो fears देख सकते थे. He called out loudly. 3 cheers for संगीता मैम. उन सब ने कहा कि संगीता मैम के लिए cheer करें. And before I knew it, someone had gently pushed me into the water. वो कुछ सोच ही सके उससे पहले उनको तो किसी ने पीछे से push कर दिया था. I felt as if my feet were frozen. उसे ऐसा लग गया कि जैसे मेरे feet जो है वो frozen हो गए, मतलब जम गए जैसे. And she started shivering. कांपने लगी, उसके teeth were chattering, जैसे हम ठंड में कैसे कांपते हैं वैसे. आई कॉट होल्ड ऑफ द रोप एंड स्टार्टेड पुटिंग माई फिट फॉर्मली ऑन द रिवर बैंक. एज आई वॉक फर्दर इन द रिवर गॉट डीपर एंड स्लोली द वॉटर रिच अप टू माई नेक. नेक तक वाटर आ गया. इन द मिडल ऑफ द रिवर आई लॉस्ट माई बैलेंस एंड स्टार्टेड स्लीपिंग. उनका बैलेंस छूटने लगा और वो स्लीप होने लगे जब वो वहाँ पहुँच गए थे. आई वॉज सो स्केर्ड एंड फेल्ट सो कोल्ड. मतलब वो इतनी डरे हुए थे और उन्हें इतनी ठंड लगने लगी कि उनका जो रोप है वो स्लिप हो गया उनके हैंड से. एंड आई स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प. आई वॉज श्योर आई वुड बी कैरिड अवे बाई द रिवर. वो एक ही डर थी कि अब मैं इस रिवर में डूब ही जाऊंगी, मैं अब कोई रास्ता ही नहीं है मेरे पास. बट नो, आई फाउंड दैट आई वॉज टाइड विद द रोप टू द स्लिंग. लेकिन वो तो रस्सी से बंधे हुए थे इसलिए उन्होंने फिर देखा. होल्ड द रोप, होल्ड द रोप. आई कुड हियर द शाउट्स. फिर वहाँ से लोगों ने आवाज़ दी सबने कि आप रस्सी पकड़ लो. आई समहाउ मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ द रोप एंड पुल माई सेल्फ फॉरवर्ड. ठीक से खुद को खींचा एंड स्लोली विद द करेज, हिम्मत के साथ वो दूसरी तरफ पहुँच गए. एक काइंड की हैप्पीनेस थी उनके अंदर कि वो रिवर्स पानी से बच के बाहर आ सके. हैप्पीनेस ऑन फिनिशिंग अ चैलेंजिंग टास्क. आपको पता है कि कोई भी चैलेंजिंग टास्क है वो फिनिश करने पे हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है. नाउ स्टैंडिंग ऑन द बैग, वो दूसरों को भी हिम्मत दे रहे थे, कॉन्फिडेंस दे रहे थे. आई न्यू दैट दिस कॉन्फिडेंस वॉज अ रिजल्ट ऑफ फेसिंग अ चैलेंज विद करेज. हिम्मत के साथ उन्होंने भी ये चैलेंज एक्सेप्ट किया तो उनके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया. Now on 10th February 1984 rock climbing. We had to climb 15 km to reach Tekla village. एक टेक्ला विलेज है, 15 km उनको क्लाइंब करना पड़ेगा यहाँ पहुँचने के लिए. And it was at a height of 1600 meters. Our rucksacks had all that we may need. उनके पास जो बैग्स थे, मतलब वो जो कैरी कर रहे थे रक्सैक, उसमें क्या क्या चीज़ें थी. फूड पैकेट्स, वाटर बॉटल, रोप, होक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, टावल, सोप, विंड चीटर, विसल, ग्लूकोज, जैगरी, चना एंड सम अदर स्नैक्स.
वी कुड सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोइंग इन द स्टेप फील्ड्स, वो देख पा रहे थे कि स्टेप फील्ड्स पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो हुए हैं. वी सॉ कॉलोनियल राउंड सिंग स्टैंडिंग ऑन अ 90 meters हाई फ्लैट रॉक विथ पेग्स एंड रोप्स. पैग और रोप के साथ उन्होंने एक कॉलोनियल राम सिंह को देखा जो खड़े थे 90 meters की हाइट पे. ही हैड बीन टोल्ड टू फर्स्ट ऑब्जर्व द रॉक केयरफुली, फर्स्ट तो उनको रॉक ध्यान से देखने के लिए कहा और कि वो कहाँ पे होल्ड कर सकते हैं वो देख सके प्लेसेस वेयर वी कैन पुट आर हैंड्स एंड फीट, जहाँ पे वो अपने पैर और लेग सॉरी हैंड्स जो है वो रख सके. टुडे आई वॉज नॉट गोइंग टू बैक आउट, आई स्टूड फर्स्ट इन द लाइन. आज उन्होंने सोचा मैडम ने कि वो सबसे आगे ही रहेंगे, आज वो पीछे नहीं रहेंगे. आर इंस्ट्रक्टर टाइड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट, ही पुट द स्लिंग एंड हेल्ड द थिक रोप विच वॉज हैंगिंग, वो रोप को उन्होंने पकड़ लिया जो हैंग हो रहा था. ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग एज ही वॉज रनिंग अप, वो ऐसे क्लाइंब कर रहे थे जैसे कि वो रॉक के ऊपर भाग रहे हैं. आई ऑल्सो पुट माई स्लिंग बट एज आई टुक माई फर्स्ट स्टेप आई स्लिप, जैसे ही फर्स्ट स्टेप रखा वो स्लिप हो गए एंड देयर आई वॉज स्विंगिंग फ्रॉम द रोप, और फिर वो रोप पे से जैसे झूल रहे हैं ऐसे लटकने लगे. कीप योर बॉडी एट एन एंगल ऑफ 90 degrees, फिर उनको इंस्ट्रक्शंस दिए कि जब आप क्लाइंब कर रहे हो तो आपको बॉडी 90 degrees के एंगल पर रखना है. कीप योर बैक स्ट्रेट एंड डू नॉट बैंड, हमें बैक स्ट्रेट रख के बैंड नहीं करना है और वॉक करना है स्ट्रेट. Keeping this in mind, I imagined the rock as flat ground and started to climb up. ये सारी चीज़ें सुन के उन्होंने डिसाइड कर दिया कि वो क्लाइंब करेंगे ये सोच के कि वो एक फ्लैट ग्राउंड है और वो इजीली क्लाइंब कर सके. अगेन वाइल कमिंग डाउन वी हैड टू यूज द रोप इन अ स्पेशल वे कॉल्ड रैपलिंग, एक स्पेशल वे था रैपलिंग अगर नीचे आना है वापस तो. आई डिड दिस विद द सेम फियरलेसनेस, बिना डरे फिर उन्होंने ये चीज़ भी वापस करी. नाउ लेट्स सी वन फनी इंसिडेंट. ऑन 14 February 1984 इट वॉज इवनिंग, खानदान भी शी वॉज फीलिंग वेरी हंग्री, द गर्ल फ्रॉम मिजोरम, वी डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट, शी जम्प्ड ओवर द फेंस एंड गॉट इन टू अ फील्ड, एक फेंस जंप करके वो एक फील्ड में गए एंड शी क्विकली प्लग टू बिग क्यूकम्बर्स एंड केम बैक. जस्ट देन अ वुमेन केम फ्रॉम बिहाइंड एंड कॉट होल्ड ऑफ अर बैग, एक वुमेन वो वहाँ से आए और उसे पीछे से पकड़ लिया और वो कुछ बोलने लगी खानदानवी को उसकी लैंग्वेज में. वी कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट शी वॉज सेइंग, वो लेडी क्या बोल रही है ये इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था और खानदानवी है वो मिजोरम से आई थी तो वो मिजो लैंग्वेज बोल रही थी, वो भी एक्सप्लेन कर रही थी. लेकिन वो एक्सप्लेन कर रही थी तब वो सामने वो लेडी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है. आई ट्राइड टू एक्सप्लेन हिंदी बट नाइदर ऑफ देम कुड अंडरस्टैंड इट, ये मैडम ने ऊपर से हिंदी में समझाने की कोशिश करी बट वो भी नहीं कर पाए क्योंकि सब अपनी अपनी लैंग्वेज में ही बोल रहे थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था. फाइनली आई फोल्डेड माई हैंड्स टू सी दैट वी वर सॉरी, सब अपनी अपनी लैंग्वेजेस में ऐसे ही बात कर रहे थे, फिर उन्होंने हैंड्स ज्वाइन कर दिए मैडम ने संगीता मैम ने और कहा कि वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट. बाय देन आवर ग्रुप हैड गॉन फार अहेड, इट वॉज ऑलरेडी डार्क, अब डार्क हो गया था उनका ग्रुप आगे चल गया था. आई थॉट वी हैड लॉस्ट आर वे, मैम को ऐसा लगा कि हमने हमारा रास्ता खो दिया है, हम शायद खो गए हैं. नाउ वी वर रियली स्केयर्ड, वी कुड नॉट सी एनीथिंग even with our torches. Torches है फिर भी हम कुछ नहीं देख पा रहे थे, ऐसे उन्हें ऐसा लग रहा था. I started sweating even though it was cold. इतनी ठंड में भी उन्हें पसीना छूटने लगा, she thought that वो लोग खो गए हैं. I tightly held Khandanvi's head. I called out loudly, where are you all? Can you hear me? My voice echoed in the mountains. आवाज़ आपको पता है कि mountainous area होता है तो वहाँ पर हमारी आवाज़ गूंजती है, इको साउंड करता है. वी बोथ स्टार्टेड टू विसल लाउडली एंड फ्लैश्ड आर टॉर्चेस, टॉर्च से वो फ्लैश करने लगे और विसल करने लगे जोर जोर से. प्रोबेबली द ग्रुप हैड नोटिस्ड दैट वी वर मिसिंग, फिर ग्रुप को भी ऐसे ध्यान में गया कि हम लोग उनके साथ नहीं थे. सो वी बोथ स्टार्टेड टू विसल लाउडली, सो दे स्टार्टेड टू विसल एंड सम ऑफ देम हैड heard some whistles at a distance. I understood the signal. We held each other's hand tightly and waited. Khandanvi felt that we should keep talking. Khandanvi सोच रही थी कि हमें कुछ ना कुछ बातें करना चाहिए तो उसने गाना शुरू कर दिया मिजो लैंग्वेज में. After some time, we saw them coming towards us. फिर उन्होंने देखा कि जो लोग हैं वो उनकी तरफ आ रहे हैं. After some time, they saw it that they were coming and at last we were with the group again. और वापस वो लोग ग्रुप के साथ हो गए.
Now on 15 February 1984, a special guest. After dinner, we met a special guest. Her name was Bachendri Pal. She had just been selected as a part of the team to climb Mount Everest. वो Mount Everest climb करने के लिए उसे select किया गया था. She had to come to seek the blessings of Brigadier Gyan Singh. Mount Everest climb करने के लिए जा रहे थे वो, तो Brigadier Gyan Singh के blessings लेने के लिए वो आ रहे थे. It was a happy evening. We were all singing. Bachendri also joined us in singing and dancing in the famous Pahadi song. वो Pahadi song पे dance करने लगे. And that time they did not had any idea that Bachendri would become the first Indian woman to reach Mount Everest. ये जो mountain चढ़ रहे थे, that was not Mountain Everest. ये जो Bachendri Pal जो है, जो अभी जाने वाले थे, वो माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने के लिए जा रहे थे. एंड किसी ने सोचा नहीं था कि वो ऐसे हिस्ट्री क्रिएट कर देंगे. शी विल बी द फर्स्ट इंडियन वुमेन जो माउंट एवरेस्ट चढ़ पाएगी. नाउ कैंप इन द स्नो. वी वर स्टैंडिंग एट द हाइट ऑफ 2134 meters. वो 2134 meters की हाइट पे थे. वी वर टू स्पेंड द नाइट ईयर. अब इनको नाइट यहाँ पे स्पेंड करना करने की थी. एवरी वन वॉज बिजी ट्राइंग टू पुट अप द टेंट. सब अपने टेंट लगाने में बिजी थे. We used double layer plastic sheets for the tent and for the ground. The air between the layers would help to keep us warm. वो हवा में वो अपने आप को अंदर टेंट के अंदर वार्म फील कर सके, ऐसे डबल लेयर में वो टेंट टाई कर रहे थे. We put in the pegs and began to put up the tent. As we tied it from one side, the wind flew the tent from the other side. एक तरफ से बांधने जाते तो दूसरी तरफ से उड़ जाता था, तो ऐसे उनके दिक्कत आ रही थी. After quite a lot of pulling and tugging, we managed to get the tent up. Then we dug a drain around the tent. We were feeling very hungry. We collected some firewood and stones to make a chulha and cook some food. उन्होंने firewood और stones collect करके food बनाने के लिए तैयारी कर दी और उन्होंने कुछ खाना बना लिया. मील के बाद, खाना खाने के बाद सारा waste है उन्होंने एक bag के अंदर collect कर दिया clean करने के लिए camp site. And soon we got into our sleeping bags. वो sleeping bags में सो गए. I was not sure if I would be able to sleep in it. Would it be comfortable? Would I not feel cold? But the bags were filled with soft feathers which help in keeping us warm. We were all very tired. So very soon we fall asleep. सब थक गए थे इसलिए सब जल्दी सो गए. The next morning we woke up and found that it was snowing. सुबह जब उठे तब उन्होंने देखा कि बहुत स्नो हो रहा है. White soft fluffy snowflakes were gently falling. Wow, it was so beautiful. The plants, the trees, the grass, the mountains, everything looked white. जैसे स्नो कैप हो गया सारा. Today we were to climb higher to 2700 meters. अभी उन्हें 2700 meters walk करना था. We walked carefully on the snow. With the help of sticks, it was difficult because we kept sleeping. By afternoon, we had reached snow-covered mountains. We enjoyed throwing snowballs at each other and making a big snowman. वो एक दूसरे पे snowballs फेंक रहे थे, snowman बना रहे थे और ऐसे enjoy कर रहे थे. Now, last day of at camp. We were getting ready for the campfire. Last day वो campfire के लिए ready रह रहे थे. And each group presented a program. हर एक group ने program present कर रहे थे अपना. Jokes कह रहे थे, laughing, singing, dancing और campfire enjoy कर रहे थे. And soon it was midnight. Then Brigadier Gyan Singh उन्होंने बुलाया मैम को. And I thought that oh no, what have I done this time? But when sir announced my name for the best performance award, उन्हें जो मैम को है ना best performance award दिया उनको. And I stood still, मतलब वो वहाँ खड़े के खड़े रह गए. And he blessed me and tears of joy rolled down my face. खुशी के मारे उनकी आँख से आंसू बहने लगे. Here is one story, you can read it. It is about how a 12 years old girl, she was living in the mountain and she went to picnic and she decided to climb the mountain. Aur kaise ye climb kar rahi hai, that is one short story of Bachendri Pal. Just read it once.